the northern campus, the other part will be the southern campus. So, Director Sri Nachiketa Rao, sir. Director DP EWD, Director KVS Rao, sir, will tell you how the institution. The rail trust would be that side, and the staff quarters would be this side. Some staff quarters would be this side as well. So as we go in, अभी हम मेन में हैं. हम देख रहे हैं. We have done our e-registration. ये यहाँ पर जो नया re-registration e-registration बना हुआ है. And देखिए वे बता रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी गई है और साथ में जब भी कोई एंटर करता है तो उनको एक स्लिप मिलती है. सामने कैंटीन है जिसके बारे में बताया जा रहा है. रिहैबिलिटेशन एंड कंसल्टेंसी यूनिट एडिक देख रहे हैं. पीपल कम आउट टू गेट सम एटिंग अप्लायंसेस. साथ में हमारे मॉडल स्कूल के छात्र हैं जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं. दीपक नजदीक है. नगेंद्र, दीपक और गंभीर जो कि सर लोगों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से यहां पर कार्य हो रहा है और अलग अलग सेक्शंस को श्री केवीएस राव सर डायरेक्टर डीपीडब्ल्यूडी उनको बताया जा रहा है और संस्थान के निदेशक श्री नचिकेत राउत सर साथ में हैं. उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं. अभी हम संस्थान के मेन गेट से एंटर कर चुके हैं तो बताया जा रहा है कि किस तरह से अभी दूसरी एरिया. ये दो एकड़ का जमीन है जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है. बताया जा रहा है कि जमीन 2 करोड़ रुपए का लागत में सिप्डा स्कीम हमें अप्रूव कर चुकी है. इस जमीन के बारे में बताया जा रहा है. सामने गॉट द आर्किटेक्ट इसके बारे में है. तो दिस एंटायर एरिया ऑफ 2 एकर्स वुड बी ए सेंसरी गार्डन. तो मंत्री जी जब आते हैं तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे शिलान्यास करवाएं. तो प्लान भी हो गया है. सीपीडब्ल्यूडी का टेंडर भी शुरू हो गया. लगभग डिजाइन भी अप्रूव्ड है. जैसे ही लोग अंदर आएंगे तो अंदर इस तरफ एक सेंसरी गार्डन देखने को पाएंगे जो कि अपने में अच्छा है. ये चिन्हित किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या होना है आगे. ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च है. बिल्कुल मेन रोड में जा रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि सामने है. बिल्कुल जो डिप्लोमा के हैं जो कि बीएड है जो कि एमएड है और इस बार हम लोग एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी ये है डिपार्टमेंट विशिष्ट शिक्षा एवं अनुसंधान. इसके बारे में बताया जाता है. आर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. नमस्ते सर. नमस्ते. खूब आनंद आया. बधाई सर. इसके बारे में बताया जा रहा है. अगर आप अपने राइट में देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है. ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं. So one modification which we have done is which we described. This is modification, sir. Here we have raised up these pots so that the blind can come, touch it, taste it, read about it. बताया जा रहा है कि किस तरह से ब्रेल में उसमें लिखा हुआ है और पूरा कैंपस अभी इसी तरह से बनाया गया. सबके बारे में लिखाया गया पॉट्स के और ब्रेल में भी लिखाया गया. वही बताया जा रहा है. इको टूरिज्म वॉज द कॉन्सेप्ट एंड they are coded in different colors. These are in blue, that means we can smell these. The ones coded in red, that we can touch it. Code बता रहे हैं कि किस तरह से क्या किया जा रहा है. You can see those lights in color. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Bharat Mata Ki! Jai! Bharat Mata Ki! Jai! Bharat Mata Ki! Jai! Jai! जो भीड़ है अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमारे राइट में छूटा है वहां से हम आ रहे हैं. अभी जो पीसीएबी का जो बिल्डिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है. ये सामने वाला हिस्सा हम लोगों का ये टीसीएबी का जो एरिया है वो बताया जा रहा है कि ये पार्क बनेगा. बताया जा रहा है कि किस तरह से जो लकड़ियां यहां पर इस्तेमाल की गई आप देख रहे हैं अलग अलग डिजाइन्स हैं. ये लकड़ियां जिनका इस्तेमाल हुआ है ये हमारे ही कैंपस के हैं. अब देख सकते हैं पीछे नारे जो हैं आज 26 जनवरी के नारे हैं. अब हम हमारी बाईं तरफ पीसीए भी छूट गई है और अब हम बढ़ रहे हैं मॉडल स्कूल वाले रोड पे. अभी वो फॉर्म है
आपके दाएं आम का पेड़ और लीची के पेड़ हैं। संस्थान के ऑफिसर्स आप देख रहे हैं कि सारे कर्मचारी उनके साथ ही हैं और किस तरह से बड़े नाराबाजी मॉडल स्कूल के छात्र। अभी दाएं तरफ अगर हम देखें तो किस तरह से हम देखेंगे, अब यहां से हम दाएं जा रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर ढालवाल इसके इंचार्ज हैं और किस तरह से ये टर्न किया गया। ये पेड़ जो कि गिर गया था और उसके बाद एक कंसेप्ट भी देना है कि किस तरह से जड़ें होती हैं और किस तरह से तना होता है। ये वो एरिया है जहां से पेड़ उखड़कर ऊपर आ गया था और इसको चेंज किया गया। इसके ऊपर से चढ़ के देखिए कि किस तरह से ऊपर जाने के लिए अलग अलग कंसेप्ट देने के लिए उनको वो बताया गया है कि एक अलग से। अगर हम इस तरफ से आते हैं तो प्लेट्यू का एक कंसेप्ट देने के लिए जो कि प्लेन है और ये वो पेड़ है कि जहां से ये देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं कि किस तरह से तना है और किस तरह से वही बताया जा रहा है। उसको पत्तों का भी एक मिलेगा, पत्तों का एहसास मिलेगा कि डालियां कैसे निकलती हैं और कैसे पत्ते होते हैं। बताया जा रहा है कि किस तरह से जड़ों को देख सकता है, एक जो VI है टोटली ब्लाइंड वो देख सकता है जड़ों को, उसी का कंसेप्ट है ये। और किस तरह से वो तने को महसूस करके और उसको फील करके देख सकता है, टच करके देख सकता है और उसके बाद में से देख सकता है। ये वो काफिला है जो मॉडल स्कूल की तरफ को बढ़ रहा है, अभी आदर्श विद्यालय की तरफ को आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसे तैयार किया गया है और किस उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये पेड़ था जो कि एक आंधी आने की वजह से निकल गया था, तो रूट्स यानी कि रूट सिस्टम और सूट सिस्टम दोनों बताने के लिए ये वेस्ट से निकला गया है। रेज फ्लावर बेड का कॉन्सेप्ट दिया गया है और इसके अंदर बागवानी ब्लाइंड कर सकता है। जैसे कि अगर ये मैं इसको छूने के लिए बोलूं तो ये देखो, इसमें ये गमला में बनाया हूं, यहाँ मिट्टी है और यहाँ पौधे हैं। इन पौधों के चारों तरफ हमें थोड़ी गुड़ाई करनी होती है और पानी डालना होता है। ये सूखा मिट्टी है चूंकि देख सकते हो और ये गीला मिट्टी है, तो पानी की मात्रा जब तुम डाल देते हो तो मिट्टी इतनी गीली हो जाती चूंकि समझ में आता है, तो आप गुड़ाई भी कर सकते हैं थोड़ी इसके चारों तरफ और पानी उतनी ही डालेंगे ताकि मिट्टी इतनी गीली हो, इससे ज्यादा गीली अगर हो तो जड़ें सड़ जाएंगी। गुड़ाई का तो इस तरह से वाटरिंग की जाती है और किस तरह से पानी डाला जाता है, तो गार्डनिंग का रेस फ्लावर है ताकि उनके कपड़ों में ना लगे और उसके बाद में वैसे एक जगह तो पानी का सोर्स होता है, उस पानी को अगर पहुंचाना है इन पेड़ों पर, अगर पेड़ तक पानी डालना है तो कैसे कैसे, थोड़ा जरूरी है कि एक वाटर चैनलिंग सिस्टम बनाया जाए जो कि ब्लाइंड को समझ में आए। पानी तो देना है लेकिन वो पानी कहाँ से आएगा और उसके लिए एक उसकी किस तरह से बनाया जाएगा, ये एक तैयार किया जा रहा है अलग अलग आएगा। डॉक्टर गीतिका माथुर बना रही हैं कि किस तरह से आएगा। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर है और किस तरह से किया जा रहा है। ये वही पेड़ है जिसकी की जड़ निकल गई है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रीम बनाई गई है अलग अलग, उसे बताया जा रहा है कि किस तरह से होगा। दिव्यांग बच्चा है उसको पानी को अलग अलग जगह नहीं रख सकते, एक ब्लाइंड किस तरह से करेगा, टोटली ब्लाइंड जो है खासकर बताया जा रहा है कि नल लगा के ऊपर आएगा और चैनल सिस्टम बनाया गया। मान लीजिए ये पेड़ है, इतनी इतनी दूरी में पेड़ है, तो वो क्या करता है कि उन चैनल्स को अलग अलग जगह रखता है, नल खोलता है, इसके अंदर पानी देता है, महसूस करता है पानी, उसको पानी देने के बाद में क्योंकि अलग अलग पौधे अलग अलग जगह में होंगे वही बताया जा रहा है कि किस तरह से होकर आ जाएगा। एक लाइन को एक्सपोज करने का बड़ा एक अच्छा तरीका होगा और काफी बड़ा जगह है, तो इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़े हट्स जैसे बनाए जिसके बीच कनेक्टिविटी, सारी एरिया पूरा पार्क के रूप में हो रहा है और कनेक्टिविटी हो ताकि पूरा ताकि बच्चे चढ़े और उसके बाद में कूद भी सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक दृष्टि दिव्यांग अगर यहाँ पेड़ में भी चढ़े, पेड़ में भी गिर जाए और अगर गिरेगा भी तो उसे चोट नहीं लगेगी, तो एक तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से जो दृष्टि दिव्यांग है उसकी जो मोबिलिटी है यानी कि वो पहचान जाएगा, अलग अलग पेड़ बताया जा सकता है कि ये तना है, ये रूट है, और अगर पेड़ होंगे पार्क होगा उसमें सब कुछ होंगे तो किस तरह से निकल के आएगा सब कुछ बताया जाएगा। डॉक्टर गीतिका माथुर एक्सप्लेन कर रही हैं, सब कुछ बताएंगे। यहाँ रेत भी डालेंगे ताकि गिरने से उन्हें चोट भी ना लगे और उन्हें गिरना और उठना
उसका एक कंसेप्ट उसे मिल जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से सेंसरी गार्डन वर्क किया जाएगा। तो हमने देखा कि अभी हम यहाँ पर हैं, एक सेंसरी गार्डन यहाँ पर बनाया जाएगा और उसके बाद में जो दृष्टि दिव्यांग हैं वो लोग किस तरह से वहाँ से आएंगे और देखेंगे सबको। हर तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम आगे के सफ़र में फिर आपको लेके चलूँगा सबके साथ। तब तक हम यहाँ से अब मॉडल स्कूल की तरफ बढ़ेंगे। इस सेंसरी गार्डन और ये जो पेड़ था देखिए किस तरह से निकला हुआ है और इसका तना, ताकि उसे पता लग सके कि कितना मोटा तना है, डाल हैं और पत्ते हैं एक दृष्टि दिव्यांग को। फिर मिलेंगे आपसे मॉडल स्कूल की तरफ अगले सफर में। डॉक्टर धालवाल और डॉक्टर गीतिका माथुर मैम उन्होंने बताया और अभी हम जा रहे हैं मॉडल स्कूल की तरफ पर बढ़ रहे हैं। ये जो रोड है सर हमें मिल जाएगा, ये मॉडल स्कूल की इस एरिया को भी हम स्लोली डेवलप कर सकते हैं। इस एरिया की बात हो रही है जो कि आपके बाईं तरफ बढ़ेगा अगर मॉडल स्कूल की तरफ जाएंगे, ये वो एरिया डेवलप होगा। लेकिन ये वॉकिंग ट्रैक की बात हो रही है, देखिए साथ में है और बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या क्या प्लान्स हैं और कैसे कैसे आगे उस पर कार्य चल रहा है। अगर आप देखेंगे सामने तो खुदा हुआ दिखेगा आपको। ये जो हिस्सा दिख रहा है सर आपके सामने वाला, ये सामने का जो हिस्सा है ये अर्ली इंटरवेंशन का इंडोर यूनिट, तो वहाँ से दरवाजा कटेगा जो कि पासे को लग जाएगा। ये सामने जो बिल्डिंग है उसके बारे में बात चल रही है, अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र जो बनने वाला है उसके बारे में अभी हो गया, जो पहले गेस्ट हाउस था। तो अभी हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे अगर जिस सड़क से हम जा रहे हैं ठीक सामने मॉडल स्कूल है, आदर्श विद्यालय, और हमारी दाईं तरफ वो नया केंद्र जो कि आज तक गेस्ट हाउस था उसके बारे में बताया जा रहा है। अभी हम पहुंच गए, अगर आप देखेंगे तो आपकी बाईं तरफ पार्किंग एरिया है और अगर हम राइट टर्न लेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल विच इज कोडेड इन पिंक, वी वांटेड टू कोड इट इन पिंक फॉर गर्ल्स इन पिंक एंड फॉर बॉयज यू कैन सी देयर इट्स इन ब्लू, सो वी हैव बोथ द पिंक कोड इन कोडिंग एज वेल एज द ब्लू कोडिंग एंड दिस इज इन द तिरंगा थीम। कलर्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से तिरंगे के रूप में उसे बनाया गया। ये जो शीघ्र, अगर आप देखेंगे तो शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र जो कि नया बनाया जा रहा है इसके बारे में, जैसे ही वो अंदर जाएंगे वाटर करते बाईं तरफ वाटर कमिंग आउट विल बी हैविंग जस्ट दिस this height of water, we make it wheelchair accessible so that water is there, some water play can be done in this. And the opposite side, we are planning to have this trip ki baat hai. So the sand pit similarly that side. यहाँ पर रेत डाली जाएगी ताकि किसी को नुकसान भी ना हो, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन एरिया है। यहाँ पर अलग अलग तरह के सेंसरी स्टिमुलेटिंग एरिया प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि उनको पता चल सके क्या। फ्रॉम दिस साइड वी कट इन ए डोर व्हिच गेट्स कनेक्टेड टू द अशोक वॉल, यहाँ से एक दरवाजा निकाला जाएगा और बाहर की वॉल को काटा जाएगा जहाँ से एक अशोक एरिया, तो इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा कि वो बाहर भी जा सके खुले में। उसके बाद में ये जितने हैं सबके बारे में बताया जा रहा है डायरेक्टर से द्वारा। So here we have no moods to disturb the basic architecture of this place. है ना, वो कभी भी यहाँ बंद कर दे वहाँ कर दे वो नहीं कीजिएगा, आपका दायित्व है कि पुराना हमारा धरोहर है, बाहर से कोई डिजाइन में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन रहा होगा। बोलिए सर, रजिस्ट्रेशन कहाँ से? रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑप्शन ले रहे थे, आइदर हम इस रूम को हम यूज करेंगे या फिर वो उस रूम को। किधर रूम है और एक तरह की रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा, कौन सा काउंटर बनेगा उसके बारे में बताया जा रहा है। जब होगा वहाँ से लिंक होगा, इवन वहाँ से एंट्री करते हो जाती है उसको हम अपने डिपार्टमेंट से एक्सेस कर लेते हैं, और इवन डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं उसे, स्टार्ट कर दिया हमने। इवन केस हिस्ट्री शुड बी इन द या सर सॉफ्टवेयर, वो उसमें ऑप्शन है।
provisions. So we'll have one thing. Yeah. We'll plan out that particular room as a registration. Let's say this particular room is so in case you have to do some feeding things, in case the occupational therapist has to do some feeding thing, in case the speech therapist has to get some ice for massage or hot and cold massage. So we should be having a kitchen. So this there's a kitchen, there is a drinking water area here. So we have both of it in this. So let's plan out that as the registration. If there is a need, without any नुकसान के बिना किसी changes के बाहर से उसी में किस तरह से एक जो early intervention center है वो establish होगा इसके बारे में बताया जा रहा है केंद्र जो यहाँ पर बनेगा उसके बारे में बताया जा रहा है ताकि क्योंकि ये बहुत पुरानी building है और एक धरोहर है हमारे लिए ये है यहाँ से ये हम देख सकते हैं अभी शीघ्र हस्तक्षेप के लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जिसके बारे में अभी अंदर बताया जा रहा है वो वहाँ पर है इसके आगे का सफर फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ सर इंटरवेंशन सेंटर यहाँ पे हस्तक्षेप यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेस्ट से ये बनाया गया है इस पार्क के बारे में बात इस पार्क के बारे में बात चली कि जो जितने वेस्ट है उससे बनाया गया ताकि पता चल सके भाई साहब बंगला और ये देखा जा रहा है सामने वाले बंगले देख सकते हैं कि किस तरह से है ये पार्क पीछे अगर इसके ठीक सामने देखेंगे तो डायरेक्टर्स बंगला ये आप देख सकते हैं डायरेक्टर्स बंगला और उसके बाद ये वो पार्क है जो बनाया गया है फ्रॉम वेस्ट जितना वेस्ट था उसको यूटिलाइज किया गया अलग अलग कलर कोड रखे अगर हम पीछे देखेंगे तो देखिए किस तरह से ब्लू येलो और अलग अलग कलर्स में बनाया गया है और अलग अलग चीज़ें ताकि जो लो विजन है उनको भी पता चल सके कहाँ पर क्या है और किस तरह से चीज़ों को रखा गया है ये वो पार्क है अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे टर्न लेने के बाद में थोड़ा सा राइट करेंगे तो अब हम उस सड़क पर हैं जहाँ हमारी बाई तरफ बॉयज हॉस्टल है और दाई तरफ जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर से निकल कर पीछे आएंगे जो पार्क बनने वाला है उसी का है दाई तरफ अभी हॉस्टल की तरफ एक हॉस्टल का राउंड लिया जा रहा है बॉयज हॉस्टल में एंट्री किया देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हॉस्टल के लिए अभी हम बॉयज हॉस्टल में एंटर कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से जो हॉस्टल है वहाँ पर किस तरह से अभी यहाँ से अगर हम आएंगे तो यहाँ से दाईं तरफ से हॉस्टल है पूरा रेलिंग से अगर हम देखें तो बताया गया है रेलिंग तो अलग अलग हॉस्टल्स हैं यहाँ पर यहाँ से बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं पूरी फेंसिंग जो लगी गई है सेफ्टी पर्पज से वो आप देख सकते हैं दाईं तरफ ताकि कोई भी अगर इस रेलिंग पर आए तो वो सेफ रहे ये है तीसरा यहाँ पर Next time we'll do that. We have got a machine which actually prints as well as a process. So we have just got it. वो बताया जा रहा है कि जो सर्टिफिकेट्स इनको दिया गया है तो जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें ब्रेल में भी लिखा गया है कि नहीं राव सर ने ये पूछा है तो अगली बार से ये भी कोशिश किया जाएगा कि जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें एम्बोस भी होगा ताकि उन्हें पता लग जाए अभी हम यहाँ से हॉस्टल की तरफ को जा रहे हैं देख सकते हैं यहाँ से नीचे सीधे अगर इसके दोनों अगर आप देखेंगे कि जो आपके दाईं तरफ है यहाँ पर इसमें रेलिंग्स पूरी जो रेलिंग थी वो यहीं तक थी पहले यहाँ तक अभी ऊपर को हाइट इसलिए बढ़ा दी गई है ताकि अगर कोई रेलिंग में भी अगर कोई छोटा बच्चा है वो साइड में जाके कुछ दुर्घटना ना हो सो टू स्टॉप दैट मिस हैपनिंग और उसी के लिए ये चीज़ ये सेफ्टी कदम उठाया गया था नाउ वी आर इन अ टूर ऑफ हॉस्टल बॉयज हॉस्टल बॉयज हॉस्टल से अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं मेस की तरफ को बढ़ रहे हैं जो नीचे बिल्डिंग है
वहाँ बढ़ रहे हैं। तो हम अभी हॉस्टल की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से एंटर कर गए हैं। यहाँ से अभी हॉस्टल में एंटर हो गए, जिसके बारे में बताया जा रहा है। बता सकता है बेल्ट पहन लेता है? लगा है। चल पढ़ के बता सामने क्या लिखा है, क्या है क्या? तो बेल्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो तैयार करते हैं उसे ब्रेल में भी बताया गया है कि किस तरह से वो होगा। टच करके देखा जा रहा है और चार्ट है जिसके बारे में एक्सप्लेन करना है। राजेंद्र पढ़कर बता रहा है ऐसे लिखना चाहेंगे जो सेक्शन अभी हॉस्टल के जो दरवाजे ये बताया जा रहा है कि गंभीर एक हॉस्टल का इंस्पेक्शन इसे हम कह सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ बताया जा रहा है। सर को किस तरह से वार्डन साहब को आप देख सकते हैं साथ में है, उनको एक हॉस्टल का टूर कराया जा रहा है। ऊपर जा रहे हैं दूसरे उस पर टूर ऑफ हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में देख रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें व्यवस्थित की गई है और कैसे बनाया गया है, वही बताया जा रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो आराम से पूरे हॉस्टल का एक फ्लोर ले रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि किस तरह से एक इंस्पेक्शन कह सकते हैं। तो जैसे सब चीज़ बताया जा रहा है साथ में डर ठीक है तरह से। यहाँ पर टीवी रूम सामने दूसरी तरफ को आ गए, तो यहाँ देखिए किस तरह से ये चीज़ जो लगाया गया है। ये रूम से अगर देखें तो हॉस्टल में अंदर करते हैं रूम्स 31-40। वार्डन सर साथ में हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या क्या है। एक तरह से इंस्पेक्शन और टूर ऑफ बॉयज हॉस्टल हम इसे कह सकते हैं। हस्तक्षेप शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र से बाहर आ रहे हैं अभी, उसके बाद में तो यहाँ पर देखते हैं हस्तक्षेप केंद्र में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र से अभी बाहर है और उसके सामने तो अभी वहाँ से हम बाहर आ चुके हैं और उसके बाद में देख रहे हैं। ये छोटा है, अपना नाम बताना पर छू वो नहीं इसमें नहीं है, इस स्कूल में नहीं पढ़ता है सर। कोई बात नहीं, कोई नहीं पीछे का देखो लिखा हुआ है मात्र यही के लिए नहीं। केंद्र उसके बाहर है, एक और तो आप देख सकते हैं। एक और ना बढ़िया ना, यहाँ से बाहर आ चुके हैं और इसके बाद में हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर हाउस की तरफ। अगर हम यहाँ से वहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर लेफ्ट लेंगे तो बताया जा रहा है कि 1898 की बिल्डिंग है। अगर हम ऊपर देखें तो वहाँ पर अगर हम नज़र डालें
1898 की ये बिल्डिंग है, तो इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे ज्यादा, और उसके बाद में इसमें जो अगले इंटरवेंशन सेंटर है वो सेटअप होना है। अगर इसके ठीक सामने देखेंगे तो MSVH यानी कि मॉडल स्कूल, जो आदर्श विद्यालय, उसका क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर देख सकते हैं सामने बिल्कुल। अभी क्रिकेट, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है, क्रिकेट चल रही है। ये सेंटर है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, और यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम हॉस्टल में ही हैं और अभी बाहर निकलने की तैयारी चल रही है। हॉस्टल से बॉयज हॉस्टल से ये आ रहे हैं, लेकिन जो ये बॉल आ गई, आप देख सकते हैं बॉल, ये रेलिंग का फायदा है, बॉल रुक गई है यहाँ पर। बॉल देख रहे किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से बॉलिंग की जा रही है, और छोटे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि खेल रहे हैं। इनको अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट होने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो रेलिंग है ये बहुत ऊपर है। अगर इसकी हम हाइट देखें, ये फ्लोर है और इससे ऊपर देखेंगे तो बहुत हाइट है इसमें अगर देखेंगे। अभी डायरेक्टर सर के हाथ में बॉल है तो आप देख सकते हैं, और या एक बॉल हुआ तो देख सकते हैं किस तरह से दिखाया जा रहा है। ये जो रेलिंग ऊंची है फेंसिंग, इससे ये होता है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, अगर किसी लड़के को लगने का कोई डर नहीं है। तो ये देखेंगे, ये जो स्पेस है ये बहुत अच्छा स्पेस है, जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए भी इसको यूज करते हैं, और उसके बाद में शाम को भी हम देखते हैं यूज करते हैं, और उसके बाद में इसको जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम हॉस्टल से बाहर निकल रहे हैं, बॉयज हॉस्टल से। अगर थोड़ा समय काटना चाहिए चाहे पेड़ के साथ, क्या लिखा जाए पढ़ के बताओ सर। पेड़ का डिस्क्रिप्शन ब्रेल में है, आम फलों का राजा कहा जाता है। तो कैंपस के अंदर जितने भी पेड़ हैं सब में इसी तरह से लिख दिया गया, ताकि सबको समझ में आ जाए, और जो शाम को निकलते हैं घूमने के लिए तो वो लोग भी उसका आनंद ले सकें, थोड़ा समय कट सके। इसमें लिखा गया आम फलों का राजा होता है, आम से कई आम का वृक्ष आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसके बाद में पेड़ों के बारे में जान सकते हैं, कौन सा आम का पेड़ है वो जान सकते हैं। तो कैंपस में जितने भी पेड़ हैं अगर हम देखेंगे सब में इसी तरह से लगाया गया है। देखिए यहाँ पर भी एक इसमें ब्रेल में लिखकर लगाया गया है, तो जितने भी पेड़ हैं सब में इस तरह से ब्रेलीकरण किया गया सब में, ताकि उनको पता लग सके कि कौन सा पेड़ किस चीज का है और इसमें क्या फल आते हैं। अभी हम बॉयज हॉस्टल से बाहर निकल रहे हैं। उनका टूर करने के बाद में नाउ वी आर गोइंग डाउन टू मैस। अभी मैस की तरफ को जा रहे हैं, अभी मैस की तरफ को जा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि क्या क्या जा रहा है। मैस में कर दिया, ये लोग लग के सामने का पूरा तीन स्टाफ ने किया गया है। अभी मैस में एंटर कर रहे हैं, और मैस का स्टाफ है, देखिए सर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या है साफ सफाई। खाना कैसे चल रहा है तुम लोग आजकल? खाना बताओ अच्छा है, पूछा जा रहा है कि किस तरह से आपको भोजन का समस्या संस्थान के पिछला जो अच्छा बना था या बुरा बना था कौन सा खाना याद है? मेनू दिखाया जा रहा है कि किस तरह मेन्यू है सर, हर दिन एक अलग मेन्यू बनता है, तो अलग अलग मेन्यू है। जैसे कि मान लो आज का दिन क्या है, शुक्रवार, रविवार, रविवार के मेन्यू का अच्छा जा रहा है। एवरी संडे बड़ा खाना अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से थर्सडे ही होगा, पनीर दिवस बोलते हैं उसे। सैटरडे नाइट सुबह आलू पराठा दही और चाय मिलाकर क्या? बढ़िया, आज बड़ा दिन है तो चावल। अभी हम मैस के अंदर आए हैं, और मैस के अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह से मेनू डिसाइड होता है, कैसे क्या होता है। अब जा रहे हैं कुक हाउस में जा रहे हैं, ये डाइनिंग हॉल है, इसका डाइनिंग हॉल आप देखें ऊपर, और अब हम बढ़ेंगे कुक हाउस की तरफ को।
मटर पनीर है, पनीर पुलाव है, पुलाव है, अलग अलग मेनू दिखाया जा रहा है। ये चीज है पूरी, आप देख सकते हैं पूरी पूरी है, बताया जा रहा है किस तरह पुलाव है, मटर पनीर है और रायता है, सब्जी है और सब्जी सब्जी आलू गोभी की, आलू गोभी की सब्जी है, कहाँ है ये आलू गोभी की सब्जी भी है मेन्यू दिखाया जा रहा है क्या मेन्यू के अकॉर्डिंग बनाया है। बर्फी आ गई है और फल है, बर्फ गिरी है और यहाँ पर बर्फी भी है। कुक हाउस में एंटर कर रहे हैं हम अभी, ये उसका जो है उसका कुक हाउस है, तो राव सर है सामने, ये जो रोटियों पूरियों की तैयारी चल रही है तो आप देख सकते हैं, और राव सर है सामने। कुक हाउस का एक तरह से इस तरह के अगर इंस्पेक्शन हो तो एक अलग सा माहौल बनता है, साफ सफाई जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ से निकल कर कुक हाउस से निकलकर उसके पीछे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट से ये मेस में ये छात्रावास है, महिला छात्रावास में यहीं से खाना बनकर जाएगा, तो ये खाना है और उसके बाद में पूरी है, जो मेन्यू आपने अंदर देखा उसी मेन्यू को ऊपर जाएगा अभी। तो हम बहुत बड़ी इस तरह कितना बार जाता है, एक ही काफी है के लिए। वो सर काउंटिंग हो जाती है ना कितने बच्चे उसके हिसाब से जाता है सर। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से कहाँ ये खाना लेके जा रहा है। अभी हम कुक हाउस से बाहर की तरफ आ रहे हैं, अब जा रहे हैं एक जो खास है जो खाली डब्बे हैं अचार घी और उसके डिब्बों से काट कर ये गार्डन सिंह ने कन्वर्ट किया है, उनके बारे में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चीज है, एक छोटा सा पार्क है जिसमें अलग अलग डिजाइन आप देख रहे होंगे, तो सब कुछ ये फुलवारी मेस के स्टाफ ने ही फुलवारी तैयार किए, सॉस के बोटल्स उनमें डिजाइन बनाया है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डिजाइन सबको, अगर नीचे दिखाऊं तो ये सॉस के बोटल्स हैं, अलग अलग डिजाइन में किया गया है, लगभग बर्ड हाउस बनाए हैं। ये सारे वही चीजें हैं जो अंदर मेस में खाली हो जाती हैं और उन्हीं को कन्वर्ट किया गया मेस के स्टाफ द्वारा। बहुत अच्छा एक पार्क और सदीक को जन्म ये खुले हो, इसको ये खुला है क्या? नहीं ये वाला योगा जिसमें होता है ये खुला है क्या? ये यहाँ योगा होता है, ये है यहाँ ऊपर आ जाए। अभी हम फिर से एक बार एक हॉस्टल से निकलकर पीछे कुक हाउस मेस, उसके बाद कुक हाउस, और अब हम जा रहे हैं एक हॉल जिसमें कि मॉर्निंग में जो अभी योगा शुरू किया गया है उसी के लिए हॉल है, क्योंकि ठंड ज्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए मॉर्निंग में जो अर्ली मॉर्निंग योगा होता है वो यहाँ पर होता है। नया कोशिश शुरू थी कि इसमें से कुछ बच्चे, जो सामने दो बच्चे दिख रहे हैं तो दौड़ते, तीन तीन बच्चे तो दौड़ते ही थे सुबह, लेकिन अगर स्पोर्ट्स और योग अपने में एक रोज का दिनचर्या बन जाए तो शरीर अच्छा रहेगा। इसलिए हर किसी को नियम बनाया गया कि आप सुबह के समय योग करेंगे। लड़कों के लिए बॉयज इंस्ट्रक्टर आते हैं, लड़कियों के लिए गर्ल्स इंस्ट्रक्टर आते हैं। टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शुरू होता है, 6:30 दो लोग इधर द प्रैक्टिस फॉर द स्पोर्ट्स और द कम फॉर द योगा, वन ऑफ मॉर्निंग एक्टिविटीज कंपलसरी सर। मॉर्निंग कौन उठाते हैं सर? एक व्हिसल पे अभी सब लोग आते हैं, एक आई जस्ट ब्लो व्हिसल एंड देखा, एक ही व्हिसल में चले आते हैं। और शाम का हमारा नियम ये है कि आप 9:30 बजे से सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद सोने के लिए चले जाएंगे। 10 बजे सब सोने के लिए चले। ये बॉयज का है जहाँ पर जो नाइट प्रेयर है वो होती है सोने जाने से पहले, और उसके बाद में मॉर्निंग में यहाँ पर योगा के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सुबह बहुत ज्यादा ठंड होगी, कितनी कलरफुल पेंटिंग कुछ ना कुछ मैसेजेस कुछ ना कुछ कोटेशन होना चाहिए। देखिए इसमें नेशनल लीडर्स के फोटोग्राफ रहेंगे और कुछ मैसेजेस होंगे, ये तमाम कलरफुल बताया जा रहा है कि किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है और बेटर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए आया कि अंदर पिक्चर्स बन जाए, अलग अलग कलर्स बन जाए, तो एजुकेटिव डिसेबिलिटी जो भी है देखने से उनको बताया जा रहा है कि जो पिक्चर्स हैं उनको देख के उनको नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, एजुकेटिव होना चाहिए। नीचे देखेंगे कि मैट्स और दरिया बिछाए गए हैं, यहाँ पर ये दरिया है जहाँ पर
सुबह योगा और दिन में ये फिर शाम को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम योगा हॉल से बाहर निकल गए और अभी हम बॉयज हॉस्टल से निकले, लेकिन रिक्शा थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था खाने का रिक्शा, वो वहाँ पर है। तो प्रॉपर पहले गार्ड आप देख रहे हैं वहाँ पर किस तरह से पूछा जा रहा है कि ये क्या है, हॉस्टल से आया। अब हम जा रहे हैं, अगर हम जिस रोड से निकले थे बॉयज हॉस्टल का, अगर थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे तो हम एंटर कर रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ को। ये वही खाना है जो नीचे हमने मैस में देखा था, अब यहाँ पर आ चुका है और हम भी पहुंच गए। देख रहे हैं कि किस तरह से अब हम गर्ल्स हॉस्टल का जो नई बिल्डिंग बनी है, जो वुमेन उसका इसके सामने जो मंत्री है, इसका मंत्री जी आए थे यहाँ पर, और यहीं पर क्रिकेट अगर कैलेंडर में देखेंगे तो उसका फ्रंट पेज है इस साल के कैलेंडर में, वुमेन हॉस्टल। तो बिल्कुल नई बिल्डिंग है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वुमेन हॉस्टल है। ये नया जो बिल्डिंग बनी है और उसी के बारे में है, नई बिल्डिंग बनी है, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल का बनाया गया है। इसके सामने देखें बिल्डिंग, अगर देखें तो बिल्कुल नई बिल्डिंग है, अगर आप देख रहे हैं बच्चों तो नई बिल्डिंग है। कौन कौन है जो मेडलिस्ट हो, सब खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ। देखिए कि किस तरह से बिल्डिंग बिल्कुल नई है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आपको दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का नजारा, एक तरह से यहां सबसे अच्छा होता है। इस बिल्डिंग का नज़ारा अगर हम देखेंगे तो ये बिल्डिंग है जो बहुत सुंदर लगती है। ये अगर हम देखेंगे तो देखिए आपके चारों पर, अगर ऊपर की तरफ को थोड़ा सा नज़र ले जाऊंगा तो बिल्डिंग है बहुत ऊंची है, और इसमें अगर देखेंगे तो तीन फ्लोर हैं, और उसके बाद में ये गर्ल्स हॉस्टल है जो कि नया बना है। इसके बिल्कुल सामने एक ग्राउंड है, ग्रीन कर्टन है, और उसके बाद सामने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और इधर अगर देखें तो ये टूर ऑफ गर्ल्स हॉस्टल जो मैंने आपको दिखाया, नई बिल्डिंग रेलिंग। अभी देखेंगे राव सर बात कर रहे हैं जो आज के मेडलिस्ट हैं, और उनसे उनके बारे में जाना जा रहा है कि हॉस्टल में किस तरह की चीज़ें हैं और आपको कोई किसी तरह की दिक्कत है, और डायरेक्टर से बिल्कुल सुन रहे हैं ताकि जो संस्थान के डायरेक्टर हैं नचिकेता राउत सर, वो सुन रहे हैं ताकि किसी तरह का इम्प्रूवमेंट अगर और किया जाना है तो उसके बारे में। अब टूर ऑफ गर्ल्स हॉस्टल हम कर रहे थे, गर्ल्स हॉस्टल से बाहर की तरफ को जा रहे हैं। ये देखा हमने ये नई बिल्डिंग, और पाथ से वापस जाते हुए जो लड़के हैं वो अभी भी एस्कॉर्ट करके जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल से। इस तरह से हम यहाँ से बाहर निकल गए गर्ल्स हॉस्टल से। इस डिपार्टमेंट की बात चल रही है, एमईडी डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर अगर कुछ हुआ है, बहुत अच्छा किया। तो देख सकते हैं किस तरह से ये कलर किया गया है, अगर ऊपर देखें, ऊपर देखें तो देखेंगे किस तरह से सुंदर बनाया हुआ। पूछा जा रहा है कि किस तरह से पहले कितना था, अब कितना है, पहले अगर मैं दूं उनको 30 अब वो पास हो जाते हैं 40। एमईडी सेक्शन जो कि बहुत वो किया जा रहा है, ये वो बिल्डिंग है जिसका सौंदर्यकरण किया गया है, देखें तो बहुत 1897 का बिल्डिंग है। 1897 अगर ऊपर जाएं और जी पे दायित्व दिया गया कि 1897 इसके बारे में बताया जा रहा है कि टैक्टाइल मैप यहाँ पर बताएंगे ताकि कोई देखे तो उसे पता। हाउ मेनी सोक फीट, वेयर आर द लाइंस, पाइप लाइंस, व्हिच आर द डिफरेंट बिल्डिंग्स, वेयर दे दे हैव टू गो, एंड दिस विल बी टैक्टाइल मैप एज वेल एज इन्फॉर्मेशन मैप फॉर यस। एक तरफ इंडिया मैप और एक तरफ बताया जा रहा है कि कैंपस का मैप बनेगा ताकि सबको पता लग सके कि कैंपस में कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ये एक सजेशन राव सर ने दिया तो वो देख भी रहे हैं और साथ ही साथ सजेस्ट भी कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट और आ सकते हैं। ये जो हेलन केलर का है आप देख रहे हैं, अगर लेफ्ट को लेंगे तो हेलन केलर है, गवर्नर ईस्ट को आ रही है। इस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर इसको काटा जाएगा, ओपन जिम के इक्विपमेंट, ओपन जिम का इक्विपमेंट यहाँ पर लगाया जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, ओपन जिम के जो इक्विपमेंट है वो लगाए जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से इसको बंद। अलग अलग एरिया होना चाहिए।
हेल्थ की बात आती है अगर तो डॉक्टर गीतिका माथुर मैम जो कि यहाँ पर देखती हैं वो भी साथ में हैं तो सुन रहे हैं सब लोग कि किस तरह से क्या क्या किया जा सकता है उसी के बारे में बताया जा रहा है। चिकित्सा का डॉक्टर बता रहे हैं सामने जिस बिल्डिंग की बात मैं कर रहा था कि जो वुमेन हॉस्टल है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है वो सामने है। और यहाँ से अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ तो ये हेलन केलर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है हमारा वो है, इसके सामने ये पार्क बनने जा रहा है। तो ये वो एरिया है जो अभी होगा, इसको ओपन जिम का जो बनाया जा रहा है उसके बारे में तैयार किया जा रहा है। ये इस एरिया की बात हो रही है, मेयर साहब को बुलाइए, चल रहा है, गवर्नर मैडम आ रही है, मतलब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पूरा प्रोटोकॉल ही रहेगा तो उससे बड़ा मंच क्या, मतलब हमारा सामान दिख जाएगा, बस दिख जाएगा, ये सब उस बहाने की सफाई हो जाएगी। बिल्कुल है कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाए, जो अभी तक सिर्फ पेड़ थे लेकिन अब यहाँ पर ओपन जिम बनाने की बात है। और ये चिन्हित किया गया एरिया जिसका है अब हमने लगभग एक पूरा राउंड ले लिया, अब हम वापस पहुंच गए हेलन केलर भवन के तरफ। बस 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 इस तरह से एक राउंड पूरा और पूरा से हम पूरा अभी एक राउंड लेकर हम पूरा तो नहीं लिया, एक लिमिट तक हम लोगों ने ले लिया, ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर कर चुके हैं। नया इनिशिएटिव है सर, मैं आपको बस उतने दूर में दिखा देता हूँ। द ब्यूटी ऑफ दिस कैंपस इज दैट इट डजंट एंड सर, मैं कुछ दिखाई नहीं पाया हूँ। इस तरह से सौंदर्यकरण किया गया है और कितना किया गया है, वही चीज है कि किस तरह से इसका सौंदर्यकरण किया गया है, सब कुछ बनाया गया है, तो वही चीज को बताया जा रहा है उनको। बोल बोल अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या है कि पहले हम लोग किस तरह से बनाया पहले है? पहले हम लोगों का जो इतना छत छप्पर वगैरह पड़ता था ना, ऐसे पड़ता था। ये देखिए पहले का एक कंसेप्ट था, वही चीज बताया जा रहा है। उत्तराखंड का कला विशेषज्ञ आपन बोलते हैं ना, त्योहारों में जो बनाया जाता है लगता है ना, ये उत्तराखंड का हमारा आठवां में जिसको हम बोलते हैं इसकी बात बनाया गया है। और ये लकड़ियां कहां जाती थी पहले, कहां जाती थी पहले लकड़ियां, ये लोहड़ी में जलाते थे तुम लोग। मैं कब्जा कर लिया था पिछले साल, वही चीज है बना गया। तो इस तरह से हमने एक पूरा राउंड ले लिया यहाँ का, बच्चे बैठे हुए देखिए ब्रेल पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट चल रही है और पार्क का ब्रेल पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है बैठने में, धूप में मजा आ रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो पार्क बना है उसका यूटिलाइजेशन हम देख सकते हैं। अभी हम जो पार्क है उससे आगे की तरफ को जा रहे हैं, ये है अभी हम वहां से आगे निकल रहे हैं, जो पार्क है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब हम हैं हमारे बिल्कुल सामने, अगर देखें तो ये मसूरी रोड जा रही है, राजपुर रोड जिसे कहते हैं, मसूरी की तरफ को जाते हैं, अभी वहीं पर लेके आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। साथ में डॉक्टर ढालवाल सर भी हम देख रहे हैं और ये देख रहे हैं एक जो बनाया गया है कि क्या यहाँ पर बनना है, उस चीज का यहाँ पर बनाया गया लेंथ है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि हम क्या दे रहे हैं। दिस कलर वार्निंग टाइल शुड बी हियर, सर बता रहे हैं बट वार्निंग टाइल शुड बी हियर, क्या किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। रेलिंग्स आर टू लेवल्स, वन टू टू लेवल्स, सो फॉर द डोर लेवल की अगर हम बात करें तो ये वाली अगर हम देखेंगे ये थोड़ा सा अंदर है और ये दूसरी वाली इसके बाहर है, ये थोड़ा अंदर की तरफ। पीपल कैन गो वॉक अराउंड, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी द राजपुर रोड, ही विल बी हैविंग इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाइट लगना है, डोम टाइप है, और ये मसूरी रोड है, राजपुर रोड जो है ये मसूरी की तरफ को जाती है। ये देखिए ये हम बिल्कुल उसके नजदीक है, कैंपस के एक पेरिफेरी में है। दौड़ते हो ना भाई, इसमें मार्किंग कर दिया जाए या किलोमीटर के हिसाब से, ये दौड़े अपना हमको समझ में आएगा कि लाइटिंग लाइटिंग रहेगी, ताकि लो विजन वाले जो है अगर लाइटिंग प्रॉपर है तो जो लो विजन है उनको भी पता लग जाए। ज्यादा करना है ये चीज है, ये जो पाथ बन रहा आप देख सकते हैं उसी के बारे में बताया जा रहा है। हमारे पीछे गाड़ियों की आवाज आप सुन सकते हैं, इट विल बी कनेक्टिंग स्ट्रेट दिस वे टू द, पूरा बताया जा रहा है। ये जंक्शन पॉइंट है, हाँ ये रुद्राक्ष पेड़ है, ये पेड़ रुद्राक्ष है सर, ये रुद्राक्ष वाटिका हमारी है, तो यहाँ देख सकते हैं ये पेड़ रुद्राक्ष पेड़ है, यहाँ रुद्राक्ष का ये देखिए रुद्राक्ष लगा हुआ है इसमें,
जैसे हमारे पुराने डायरेक्टर साहब अपने प्लांट किया था रुद्राक्ष वाटिका बोलते हैं, रुद्राक्ष वाटिका जो कि पहले प्लांट किया गया था, तो वही चीज बताई जा रही है। और ये जो पाथ बनना है ये बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें जो स्पोर्ट्स वाले प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी, और बाकी लोग भी वॉक के लिए इसे यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है डॉक्टर पी वी एस राव सर को। अभी स्टाफ क्वार्टर का लास्ट ऑलमोस्ट सब कुछ हम दिखा चुके हैं सर को, कैंपस का टूर एक करा चुके हैं, तो यहाँ से ये जो बन रहा है उसके बारे में बताया गया था। अब हम वहाँ से बाहर आ रहे हैं, जो रुद्राक्ष वाटिका थी उसे बाहर आए हैं, और इस तरह से हमारा एक पूरा टूर। अगर इधर देखेंगे तो हम सामने हेलन केलर भवन दिख रहा है आपको, दाई तरफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पर है वो दिख रहा है, ये पार्किंग लॉट है जहाँ पर विंड चाइम्स भी लगाई गई हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, विंड चाइम्स है ये। अब ऑलमोस्ट हम एक राउंड पूरा ले चुके हैं, और डायरेक्टर सर ने के वी एस राव सर को पूरा बता दिया कि कहाँ पर क्या क्या है, किस तरह से है पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट में हम लोगों ने लाइन को फोल्ड करने के लिए और पार्क को फोल्ड करने के लिए विंड चाइम्स लगाए थे। करने के लिए बताया, तो अभी अगर हम सीधे जा रहे हैं और सामने देखेंगे हेलन केलर भवन और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च, एक टूर लगभग हमने पूरा कर लिया है। इस तरह से हम एक राउंड लेके वापस हम वहीं पर आ गए हैं, उसी बिंदु पर, यानी कि हेलन केलर भवन के सामने जहाँ से हमने शुरुआत की थी। एक तरह से ये एक राउंड पूरा हो गया है।